मेरे को लगता है अगर लिव इन भी करना पड़ेगा, देखो जैसे मेरी मम्मी एंट्री कर रही है तो सब परिवार ही करना पड़ेगा ना। लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई है और वाइफ आ गई है साथ। तो क्या शादी के बाद लिव इन कैसा है? हाँ बताइए, आपने कभी शादी के बाद लिव इन किया है? हम शादी के बाद ही किया। हम साथ रहते हैं सपत्निक। लेकिन आपने कभी लुका छुपी के लिए अपने स्पाउस के साथ? इसका क्या मतलब था? साइलेंट 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 सामने सामने गलत सवाल। आई थिंक ये जो सवाल है इसके लिए हमें बुलाना चाहिए हमारे कैप्टन ऑफ आर शिप, इनसे काम और कंपोज डायरेक्टर ने आज तक मैडॉक में पिक्चर नहीं बनाई है। और वो इतने नहीं, इतने काम और कंपोज हैं, जब भी हमारा काम खत्म हो जाता था तो एक एक्टर सोचता है कि डायरेक्टर से कुछ बात करेगा शाम को बैठ के, ये वो, उनसे जब तक काम की बात करो काम की बात करते, कुछ और कर लिया कि सर दिन अच्छा है शाम अच्छी, कुछ नहीं, चुपचाप गुड नाइट सर। सर आप शूट के बाद आप तो कोई एकदम प्रोफेशनल ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर एकदम। लेडीज एंड जेंटलमैन, लक्ष्मण उत्तेकर। सर आज आपका पावरफुल गमछा किधर है जो आप पूरी पिक्चर में पहन रहे थे? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन थर्सडे आफ्टरनून। ठीक है, मैं बोल रहा था ना। विनम्रता सर, अभी अभी कोई प्रोफेशनल माहौल नहीं है, सब अनप्रोफेशनल है। तो बताइए सर, ये आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या, लिव इन रिलेशनशिप? मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे दो बच्चे भी है, शायद नहीं यहाँ नहीं है, बट मैं लिव इन पे बिलीव करता हूँ या नहीं वो बात नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ लेकिन मेरे पड़ोसी तक को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ। तो सर मेरे बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन हम लोग इनफैक्ट लिविंग में रहते हैं। क्या हुआ, कहानी सुनानी थी तो इन्होंने फोन किया कि मैं आ जाऊं क्या, मैं बोला हाँ, कितने समय लगेंगे आपको, तो बोले 5 मिनट, तो मैं बोला आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आके कॉल कर रहे हैं क्या, तो बोले ना मैं 16 फ्लोर पे हूँ, मैं 8वें फ्लोर पे। तो हम लिविंग में थे। तो मैं खुद शादीशुदा हूँ, पारिवारिक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बट मेरा बिलीव लिव इन में नहीं है, बट मेरा बिलीव रोहन शंकर जिन्होंने एक कहानी लिखी उनकी कहानी में था। रोहन जी, और रोहन जी ने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट किया है फैमिली के साथ लिव इन करेक्ट। हाँ, रोहन का काफी पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। वी लाइक टू कॉल रोहन, आप रोहन आ जाओ। और बस वही 2 घंटे की रोहन ने जो कहानी लिखी है, शायद हम उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, और वो दोनों कैरेक्टर, दोनों ने सारे, मतलब स्पेशली गुड्डू और रश्मि, इनके इनोसेंट कैरेक्टर के साथ, उनके इनोसेंस के साथ बस आपको 2 घंटे की एक फन राइड है। आप फिल्म देखो, पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेते जाओ, बस ऐसी है। मतलब हम क्या बिलीव करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमने कहानी पे बिलीव करके खूबसूरत फिल्म बनाई है। बाकी थैंक यू। क्या बात है, लेखक साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, एज दे सेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, हाउ डिफिकल्ट इज इट ऐसा जॉइंट फैमिली में कुची कुची करना? रोनी खुद के एक्सपीरियंसेस से आया है क्या? एक्चुअली ये ट्रू स्टोरी है क्या? इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत है। क्या हुआ था, मैं एक मेरे घर पे पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा, एक लड़की को डेट कर रहा था, तो उसने बोला था कि हम लोग साथ में रहते हैं, तो मैंने बोला, मैं बॉम्बे में शिफ्ट होने वाला था कल्याण से, तो मैं बोला हाँ, मैंने हाँ तो बोल दिया, फिर मैंने सोचा अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और मेरी फैमिली अगर वहाँ आ जाएगी और देखेगी तो क्या सोचेगी, तो ये थॉट था। बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन कहानी मिल गई। मतलब लिव इन हुआ फाइनली कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फिर कहानी मिल गई, बाकी सब लोग मिल गए और ये दिन आ गया। कॉमेडी इन जनरल, बिकॉज किसी को भी हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं दैट्स द बेस्ट इमोशन। बट हमारी जो फिल्म है वो काफ़ी सिचुएशनल है, तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जोक क्रैक कर रहे हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। एंड या आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्हेन यू डूइंग अ कॉमेडी फिल्म इज़ टू स्टे हैप्पी, बिकॉज इफ़ आई एम हैप्पी आई कैन ट्रांसफर दैट एनर्जी, एंड आई फील लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी शूटिंग दिस फिल्म। और मुझे पूरी फिल्म हमने 45 डेज में कंप्लीट की है, मेरी आई थिंक फास्टेस्ट फिल्म थी ये, थैंक्स टू लक्ष्मण सर एंड द होल कास्टिंग क्रू, एंड आई थिंक वी हैव एंजॉयड इट सो मच दैट यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन एंड यू विल फील दैट होपफुली। एंड इफ द कॉमेडी डिडंट वर्क इट्स अ ट्रेजेडी फॉर द प्रोड्यूसर ना, लिटिल बिट। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। हां जी, हां दिनेश जी जी, जी यहां। हां जी, जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हाउस हमने शुरू से देखा है कि बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले रहा है, और सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं करें, आप जो सरोगेट मदर पे इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाना
जो हमने सुना था. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कभी अंदर घबराहट भी पैदा करते हैं कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स के बीच में अगर हमने कोई सीरियस फिल्म ली तो वो चलेगी नहीं चलेगी या उसका क्या होगा? जब तक वो क्या बोलते हैं ना, अगर घबराओ नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा. तो अगर आई फील कि अभी जो करंट ऑडियंस ट्रेंड है उन्हें खाली नया सेक के लिए नया नहीं चाहिए, उन्हें यू नो देयर इज अ न्यू इमर्जिंग इंडिया हु वांट स्टोरीज फ्रॉम देयर कंट्री. एंड सरोगेसी लाइक यू मेंशन इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, बट हमारा टेक उस पर, जैसे हमने हॉरर के साथ कॉमेडी लाई है, फिल्म एंटरटेनिंग होगी, सो इट विल मेक यू लाफ एंड क्राई. सो आइडिया है कि यू ट्राई न्यू थिंग्स बट यू मस्ट एंटरटेन, मतलब पिक्चर में भाषण नहीं होना चाहिए, दैट्स द ओवरऑल इंटेंशन. इसी पर जो कलाकार हैं वो भी बिल्कुल मैं भी सामान्य कलाकार हूँ, दो ही हाथ है मेरे भी. नहीं नहीं, लेकिन लेकिन उनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है. जी 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 जी, सबके लिए बढ़ गया है. अच्छे अभिनेताओं की अभी जरूरत पड़ने लगी है बहुत ज्यादा, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी अच्छे अभिनेता हैं उन सबके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है. नॉट सिर्फ एक्टर, स्टोरी टेलर, जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्ष्मण सर सिनेमाटोग्राफर थे तो वो एक नई कहानी लेके कहने आ गए. तो अभी जिस किस्म की बयार हवा चल रही है या बदलाव हो रहा है तो सबके लिए समान मौके हैं, जो बेहतर स्टोरी टेलर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं, सबके लिए. मैंने इससे पहले दो मराठी फिल्में भी की है एज अ डायरेक्टर, सो इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. एंड it becomes very easy for you to express your vision or express your thought when you have a producer or filmmaker like Dinesh Vijayan. Thank you, sir. I mean, seriously, throughout the shoot, we finished the film in not 45, actually 43 days. And enough after every 2 days, he used to call me and he used to tell me, sir, please enjoy the film. Don't think about anything. You just enjoy the set. And I think, for any director, like this was my first Hindi film as a director, but the kind of support and kind of every day the kind of support I got from him and from entire crew and cast, I think Shiddat se agar koi bhi insaan is tarah ka crew mile aur is tarah ka support mile to I think koi bhi insaan ek achhi film bana sakta hai. Thoda technical knowledge hona chahiye. Sir, I didn't shoot this film. I was only directing and only concentrating on my storytelling. Milind Jog is my DOP and he shot the film. And I maine kuch interfere nahi kiya. Bilkul nahi kiya. Wo kabhi kabhi hota tha, kabhi kya seat pe baithte ho aur apna dost gaadi achanak se brake marta hai to aapke pair aage jaate hai. Aisa hota tha. Lekin maine control kiya har baar, hai na Milind? Yeah. Sir, I have done my first Marathi film, Tapal. I have done direction as well as cinematography. But this film had a big canvas. हमने ग्वालियर और मथुरा में शूट किया. फिल्म में करीब 12-13 एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स. तो उन सबको हैंडल करना, या फिर और हर एक उस्ताद एक्टर्स हैं, मतलब तो उनके अपने एक थॉट प्रोसेस है, कभी कभी उनको कंट्रोल भी करना. I think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at. Although coincidentally, my next two films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful, which are also they're in the comedy zone. But I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like Janta, ki mujhe ye dekhni achhi lagegi ki nahi. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Live-in ka kabhi mamla aaya nahi hai. Explore karna chahunga. मेरी आई थिंक मम्मी जो है उनको पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ पता चल जाता है. आई थिंक मैं उनसे झूठ ढंग से बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं हालांकि. लेकिन जब भी मेरा कोई क्रश रहा है या मैंने कॉलेज में या स्कूल में जैसे किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो बाजू में खड़ी है, उनको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है. हाँ, सो दैट इज़ हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स. एंड या माई पेरेंट्स डू गेट कि कौन है क्या है, तो वो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, पर यूजली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है.
मेरा एक किस्सा है छोटा सा कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले। तो मैं गांव गया, मैं गांव कम जाता था, मतलब दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो एक डेढ़ साल के एक साल के गैप में छुट्टियों में गांव गया तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू हुआ है। वो बिल्कुल देहात की महिला है, वो गाँव की। मैं बोला इसको कैसे पता है, ना हम कभी बताए ना जाने। बोले तुम्हें कैसे मालूम है, नहीं तू बता पहले हुआ या नहीं है कुछ। मैं बोला तू पहले बता तुझे कैसे मालूम है। तो बोली हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और बता दिए कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो खबरदार तुम बता देना मुझे। तो अक्सर मेरे माँ के सपने में हनुमान जी आते थे और कोई डिटेल बता के चले जाते थे। तो ये है किस्सा। अच्छा कार्तिक, कार्तिक जी एंड कृति सैनन जी, आपके लेफ्ट में यहाँ अरुण। अरुण, अरे अरुण, सवाल ये है आगे ये कुछ पूछेगा। आप लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आप सभी की फिल्में लोग बहुत ही लाइक करते हैं, आप सभी जहां भी जाते हैं फैन फॉलोइंग अपने फैन के बीच में घिर जाते हैं। रियल लाइफ में कभी शादी करने की आप लोगों ने सोची, क्योंकि माहौल भी अच्छा बना दिया आप लोगों ने। इसका फैन से लेना क्या है, घिर जाते हैं फैन से। तो इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं तो अब शादी। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि पॉपुलर होने के बाद शादी करनी है, ऐसा मतलब अरुण के दिमाग में शादी ही चल रही है तब। अभी यहाँ बैठ के गए हो तो तुम ज्यादा शादी शादी वाला उतावले हो रहे हो। कृति, तो आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? हाँ। अरुण पूछना चाहते हैं। मैं ऑफ कोर्स आई बिलीव इन मैरिज एंड आई वुड वांट टू गेट मैरिड एट सम पॉइंट, बट राइट नाउ आई थिंक चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड ना। कार्तिक जी मेरे बारे में ही बोल रही थी कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। अच्छा, और एक सवाल ये कि रिसेंटली हमने देखा ढेरों सारी शादियां हुई, चाहे विराट की बात करो, अनुष्का एंड दीपिका, बोल दिया हमने उसमें। हाँ जी, आप लोगों ने बोल, आपके फेवरेट कपल कौन है कि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है आप लोगों के अनुसार? कृति बताएंगे, कृति जी आप बताएं कौन सी अच्छी जोड़ी लगती है आपको, सबसे फेवरेट जोड़ी कौन है? अभी फिलहाल तो कार्तिक और मैं। जी जी कार्तिक, ऑन योर लेफ्ट आई थिंक लेफ्ट। Yes, ma'am. ma'am, मतलब मुझे काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो फियर तो नहीं हूँ, फियरलेस ही हूँ, करते जा रहा हूँ, तो जो मिल रहा है कर रहा हूँ, कार्तिक और अच्छी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। कार्तिक, towards your right, towards your right, yes, stage right. Hi, Kartik. As an actor, you interact with the Mumbai and the national media on a daily basis, but to play a small town correspondent, how fun was that? What are the sort of observations, details you sort of picked on? Basically, इस फिल्म में पहली बार मेरे लिए भी एक डायलेक्ट था, और वो डायलेक्ट के लिए हमारे टीचर थे पंकज जी, जिनका नाम है, और नॉट पंकज त्रिपाठी जी, बट स्पेसिफिकली मथुरा में ये बेस्ड है फिल्म, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस थे, क्या क्या वहाँ पे वर्ड्स, जैसे राधे राधे का कर रहे हो भैया, तो वो थोड़ा सा डायलेक्ट पे काम किया गया था। ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत नया था ये, क्योंकि मैं मोस्टली अर्बन फिल्म्स सारी किया हूँ, या दिल्ली का लड़का, जैसे सोनू में देखा होगा, पंचनामा में देखा होगा आपने, तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट द स्वीटेस्ट कैरेक्टर, आई थिंक, जो बिल्कुल भी दिमाग से थोड़ा भी स्ट्रीट स्मार्ट टाइप नहीं है, एंड सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ऑफकोर्स मेरे को ग्वालियर में शूट करने का मौका मिला, तो बड़े शहर में जैसे मैं रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ छोटे शहर से, मैं ग्वालियर से ही हूँ, जहाँ पे मेरे लिए बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पे मुझे शूट करने का मौका मिल रहा था मेरी फिल्म का, तो मेरे लिए वो लाइफ देखी हुई है बचपन से, तो ये तो मेरे को 7-8 साल यहाँ पे हुए हैं बड़े शहर में, उससे पूरी लाइफ पहले मेरे एक छोटे से शहर में रही है जो कि ग्वालियर है। कार्तिक, we'll take one last question, okay? कार्तिक, on your left, जी 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 जी, on my left, sorry, yeah, yeah, yeah. कार्तिक, you know, your last film was a huge success for you, and post that, I think, you know, a lot of us from the media, you know, was a time when, you know, we wanted to interact with you, but it seems like a closure from your side, you know, where we couldn't get in touch with you. There was a time where you were very open to the media, but then it just changed after the success of your last film, Sonu Kitty Tukki Sweetie. So what changed in you that, you know, made you want to have that closure and not have that connect anymore? There was a lot of times that I'm quite sure a lot of my other media friends as well must have tried to connect with you, but there was this time that you just had a kind of a boundary as sense. So why मैम, वो बाउंड्री मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि कई बार इतनी न्यूज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मेरे को लग रहा था कि बाउंड्री कुछ तो रखूँ, उसके लिए मैं कम करता था, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा
मतलब जितना मेरे को लगता है उससे ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी. सो दैट्स द रीज़न कि मैं थोड़ा सा क्लोजर में चला गया था कि मैं इतने इंटरव्यूज़ नहीं कर रहा था या मैं इतना नहीं मिल रहा था. हैविंग सेड दैट, स्टिल मतलब मैं मीडिया से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, आपने देखा है जैसे मैं करता हूँ, जो मैं पहले इंटरेक्ट करता था वैसे ही अभी भी करता हूँ. नॉट दैट लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज या मैं इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया. हर फ्राइडे चेंज होती है एंड मतलब थैंकफुली मेरे मम्मी पापा मेरे को आज भी डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मार भी देते हैं कि अगला फ्राइडे बता देगा भाई रुक जा. तो सो यू नो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आने वाली कि उस सेंस में कि यू नो आई विल बी थिंकिंग अबाउट कि इस वजह से मैं लोगों से दूर रहूँगा, यार मैं बन गया हूँ, तो वो वाला जोन मेरा नहीं है. Dinesh, I have a question for you. Dinesh, I have a question for you. You are someone who always talks about content and someone who's given a lot of importance to you, the content films that you make, and obviously you're here because of the films that you made. So when it comes to it, there's always a discussion while the actors, the directors and the producers in terms of remuneration do get their credit, but writers somewhere are always been left behind. There was obviously a controversy between you and your good friends Raj and DK that also happened in terms of due credit in terms of remuneration or something else. What do you feel? Isn't it high time? Because the writers are in the end the star of it. If they don't give you the content, how? So what I believe is that I have worked with a lot of writers, and there's Rohan here, there are six other films that are being made, and I actually believe that writers define films. So I honestly believe, and I'm quite confident, that Madhok is one of the highest payers to actors, to writers, and that's something I believe in. I believe without writers there will be, I feel a writer is as important as a director. Obviously, the matter that you're discussing, sometimes when there's a huge success, there are misunderstandings and there are people who'll come in and sort it out. But 95% of the time, in 14 films that I've made, there's never been a situation where I've had any hassle with anybody. So sometimes it happens, and I also believe when time passes, the truth always comes out. So I would rather not talk about the matter, but let time say what was the fact. Yeah? थैंक यू सो मच. और जहां तक मिस अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा.